चलो ना पापा, खाना खाते हैं। रहने दो, मन नहीं। कहाँ जा रहा है? पापा को बुलाने जा रहा हूँ। पापा अपसेट हैं, वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। अरे मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। मैं कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा? आप जाओ, मैं लाता हूँ। पापा चलो खाना खा ले, भूख नहीं है। चलो ना पापा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, दिल हल्का हो जाएगा। क्या परेशानी बताइए। तुम जाके खा लो, मुझे इच्छा नहीं है। आपका चेहरा देख के मैं समझ रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बताइए। गांव वाले बेचारे पहाड़ पर रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी हलकान हो गई है। अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो मुआवजा लेकर उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी, कुत्ते के सामने रोटी फेंकने जैसा। इन्हें कहीं और बसने के लिए कहा जाएगा। अनजान जगह पे वो कैसे जिएंगे? तालाब की मछली समंदर में कैसे जी सकती है? उनके लिए आखिरी उम्मीद है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कल अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समझ लीजिए, वो रिसॉर्ट नहीं बना पाएंगे। हम उस जमीन को वापस लेके रहेंगे, ठीक है ना? मैं सब संभाल लूंगा। मैंने गोवा में कई गुंडों को झेला है। चलिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्रवण, तुम लोग खा लो। पापा मैंने दीदी से शर्त लगाई थी कि मैं आपको खाने पर लेकर आऊंगा। मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं चले ना तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। आपके पैर पड़ता हूं पापा। चलो खाते हैं। किसी ने कहा था कि पापा खाने के लिए नहीं आएंगे। पापा आ गए। खाना रेडी है ना? पापा हाँ, मेरी तरह आप भी टैटू बनवा लीजिए। दूंगा एक खींच के। इस उम्र में टैटू शैटू, और सुना है कि बनवाते वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होता पापा, बस एक दारू लगा के बैठ जाइए। कैसा बेटा, बाप को शराबी बनाना चाहता है, बताओ। ए सुतली बम, क्या है? इधर आ। जब स्कूल नहीं है तो तू किधर जा रहा है? दादी को स्लेट देना है। तो तू हथियार सप्लाई करता है। इधर दे। बैग में क्या है? उतार। इधर दे। मैंने उसी दिन टीचर को कहा था कि तुम चोर हो, लेकिन वो नहीं मानी। ए ठीक है, ये खट्टी इमली है, मैं इसको बहुत पसंद है, गिफ्ट देना है मुझे। तुम इसको गिफ्ट क्यों देगा? बताता हूँ, लेकिन तू कसम का किसी को बताएगा नहीं। नीचे आ। माँ, ये लो। बदमाश क्यों?
बदबू आ रही है। आइए आइए जीवानंद साहब। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। अभी से मिलने आया था। सच में? बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेता। आइए। हाँ जी सर। बड़े खुशगवार मौके पर आया, नाच गाना, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर। क्या जीवानंद, पुलिस वाले हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वाला हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम है, अगर अपराधी होता तो खूब पैसे बना रहा होता। थोड़ा खुल के बताओ क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्प कर सकते हैं? इस काम के लिए जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुका हूँ। हाँ, पक्के जेंटलमैन, वादा पूरा किया। अपने खोए हुए बेटे के तौर पर एक आदमी मांगा था, मैंने तुरंत दे दिया। पर विकी को श्रवण बनाने के लिए डीएनए टेस्ट में जो हेरा फेरी करनी पड़ी उसमें बहुत पैसे लग गए। आपका यहाँ का इंस्पेक्टर करण, उसने बहुत सारे प्रूफ मांगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा लग गया। उम्मीद करता हूं अब दोबारा अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं। अगर अब तुमने मुझसे चालाकी की तो आगे तुम जानते हो। थैंक यू सर। सर, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपका असली बेटा लौटा है तब क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तक तो लौटा नहीं, और लौटने के लिए 15 साल नहीं लगते। थैंक यू सर। अरे तू टेंशन मत ले, उसे पूरा विश्वास है तेरे पर। मेरी बात याद है ना, चलाता। आप बताइए। मैं आता हूँ सर, आप बैठिए। जंगल के बीच ये कौन सी जगह है? ये हमारा गांव है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। नमस्ते बिटिया, अब ठाकुर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। सुना था कि वो बीमार हो गए थे। अब चिंता नहीं, उनसे कहना कि मैंने याद किया था। अच्छा, मैं इनका भाई हूं। अरे आपको कौन नहीं जानता। माधुरी दीदी। अरे आप, सबके नाम कैसे याद है, सबको पर्सनली जानती हो? 14 साल से मैं इन लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे जाने के बाद साल भर घर में ही थी। पापा मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैंने इनकी प्रॉब्लम्स देखी तो लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तुम तो इस तरफ आते ही नहीं। हाँ, काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। वो बदमाश कहाँ है, दिख नहीं रहा। तो था। ए चिंटू, इधर आ। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। तो तू यहाँ रहता है? हाँ बे। ये तो हरदम मस्ती करता रहता है। सुबह जंगल जाता है तो शाम को ही लौटता है, स्कूल जाता है तभी शांति रहती है, सिर्फ आप ही की सुनता है। जरा समझाइए ना। चलाओ। अच्छा तुम जाओ, 5 बजे गाड़ी भिजवा देना। मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हारा पति अभी भी शराब पीता है? जब से आपने समझाया ना, पीना छोड़ दिया है।